इंडिया न्यूज़ हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रिजवान। दोस्तों, चिलचिलाती धूप में और चिलचिलाती गर्मी में आपको ठंडक का एहसास करा सकता है सिर्फ सत्तू। तो आइए आज जानते हैं कि सत्तू के कितने फ़ायदे हैं और गर्मी में कैसे आपको ये लू से बचा सकता है और कई बीमारियों से आपको सत्तू बचा सकता है। तो आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप गर्मियों में सत्तू पीते हैं और ऐसा होता है कि ग्लास में आप सत्तू ले लें, हल्की सी चीनी उसमें डाल लें और फिर उसको घोल लें, फिर उसमें बर्फ़ डाल के अगर आप पियेंगे तो ये माना जाता है कि काफ़ी हद तक जो आपकी एनर्जी है वो भी वापस आ जाती है। मतलब एनर्जी भरपूर रहेगी आपके अंदर, जो मतलब चिड़चिड़ापन है वो भी आपका दूर रहेगा। और सत्तू जो है पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप सत्तू का सेवन करते हैं तो आप पेट के कई रोगों से दूर रह सकते हैं। तो अगर सत्तू अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप नॉर्मल शरबत बनाते हैं उस तरीके से आप सत्तू का शरबत बना सकते हैं, और सत्तू शरबत में मिलाकर भी आप पियेंगे तो आपको काफ़ी ठंडक का एहसास होगा। जैसे कि ऐसा होता है छोटे छोटे बच्चे होते हैं या फिर यंग लोग भी होते हैं तो उन्हें जो है लू लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है गर्मियों में बाहर निकलने का। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो खेलने के लिए बाहर दौड़ते हैं, तो आप उनका ख़ास तौर से ख्याल रखिए कि उन्हें आप सत्तू का शरबत पिला सकते हैं। सत्तू घोल के पानी में भी अगर मिला देंगे आप, मतलब जैसे पानी में एक गिलास ठंडा पानी लिया, उसमें आपने एक दो चम्मच सत्तू डाला, फिर उसमें एक नींबू निचोड़ दिया, तो अगर आप पियेंगे तो काफ़ी हद तक जो है आपकी लू मतलब गर्मी से आप दूर रहेंगे और काफ़ी हद तक आपकी पेट की बीमारी जो है उस रोगों से भी आप दूर रहेंगे। तो हम तो यही कहना चाहेंगे जब गर्मी आ ही चुकी है तो आप भी सत्तू का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपको लू से तो बचाएगा ही, साथ ही पेट के रोगों से भी आपको दूर रखेगा। और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हेल्थ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फिटनेस एंड लाइफस्टाइल से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हेल्थ।